स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जब कहीं क्रांति करते थे तो अंग्रेज सरकार उनके घर परिवार को तंग करती थी। उसी प्रकार भाजपा की केंद्र की सरकार की गतिविधियां देखिए बीते दिनों दिल्ली को लेकर। केजरीवाल सरकार ने राशन की घर घर डिलीवरी की योजना बनाई। लागू करने से ठीक पहले उबुल जुलूल बहानों से मोदी सरकार के एलजी ने इसे रोक दिया। दिल्ली में 73 लाख जरूरतमंदों को राशन माफिया और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलना था, रोक दिया गया। केजरीवाल सरकार पर ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी के आरोप भाजपा के बड़े नेताओं ने संपूर्ण भाजपा तंत्र ने लगाए। ये झूठ भी फैलाया कि केजरीवाल सरकार इसलिए ऑक्सीजन ऑडिट से दूर भाग रही है, जबकि हुआ ठीक उल्टा। केजरीवाल सरकार के ऑक्सीजन ऑडिट कराने के अनुरोध को मोदी सरकार ने ही ठुकरा दिया, क्योंकि ऑडिट में ये साफ हो जाता कि केजरीवाल सरकार की कोई गलती नहीं थी और भाजपा के आरोप झूठे थे। केजरीवाल सरकार दिल्ली के पब्लिक यातायात को सुलभ और आधुनिक करने के लिए 1000 लो फ्लोर बसें खरीद रही है। उस पर भाजपा के हवा हवाई आरोपों की जांच के बहाने रोक लगा दी मोदी सरकार के एलजी ने। जहां एक और झूठ फैलाते हैं भाजपा वाले कि केजरीवाल सरकार नई बसें नहीं लाई, वहीं दूसरी ओर बसों की प्रोक्योरमेंट ही रोक दी। कारण सीधा सा है, आम आदमी सरकार के चर्चे देश भर में फैल रहे हैं। भाजपा नेतृत्व विचलित है। आम आदमी बदलाव के लिए पंजाब, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में झाड़ू पकड़ रहा है। काम की राजनीति का डंका बज रहा है। बसंत को आने से भला कौन रोक सका है, आप ही बताइए।